सो हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल कोडर्स फीड में स्वागत है। सो आज के इस वीडियोस में स्टार्ट करने वाला हूँ प्रोग्रामिंग विद प्रॉब्लम सॉल्विंग की कंप्लीट सीरीज़ को। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको एकदम डिटेल सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को करेंगे, कौन से टॉपिक को पहले करेंगे, कौन से टॉपिक को बाद में करेंगे, एंड हमारा क्या फ्लो होने वाला है और उसमें कितना टाइम लगेगा हमको ये सीरीज़ ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सो जैसे कि आप यहाँ पर हमारे डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कोड है BCS 101 एंड BCS 201। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहली जो यूनिट है वो आपकी तीन पार्ट्स में डिवाइड है। सो जैसे कि यहाँ पर आपका सबसे पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। देखें, यहाँ पर हमने सबसे पहले पढ़ेंगे आपके मेमोरी के बारे में कि आपके इस कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन सी मेमोरी होती है। सेकंड हम देखेंगे आपका प्रोसेसर कि आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें प्रोसेसर का क्या यूज़ केस है। फिर हम देखेंगे आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की कौन कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपके कंप्यूटर सिस्टम से रिलेट कर रहे होते हैं। फिर हम देखेंगे कि आपका स्टोरेज यूनिट क्या होता है। फिर हम देखेंगे आपका कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो रहा होता है यहाँ पे। अब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम तक के बारे में जान लिया कि मेमोरी क्या हुआ, प्रोसेसर क्या हुआ, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या हुए, स्टोरेज क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ। अब बारी आ जाती है जो हम कोड लिखेंगे वो किस तरह से प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, तो हम जो कोड लिख रहे होते हैं उनके कुछ प्रोसेसिंग होती है, जस्ट लाइक आपका असेंबलर होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबलर हम सबसे पहले इन सब के चीज़ों के बारे में जान लेंगे ना, तो बाद में जब हम कोड कर रहे होंगे तो हमारे लिए ये चीज़ें नई नहीं होंगी। ठीक है, तो इसीलिए हमको इन चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है कि आपका असेंबलर क्या होता है, आपका कंपाइलर क्या होता है, आपका इंटरप्रेटर क्या होता है, आपका लोडर और लिंकर क्या होता है। ठीक है, अब ये हमारा यूनिट नंबर वन का पहला पार्ट हो गया। तो अब आप बोलोगे इस पहले पार्ट को ख़त्म करने में कितने सेशंस लगेंगे। तो अगर हम बात करें तो मैं मेमोरी के ऊपर एक कंप्लीट सेशन लूँगा। ठीक है, फिर मैं बात करूँ तो मैं एक प्रोसेसर के ऊपर भी एक कंप्लीट सेशन लूँगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर एक कंप्लीट सेशन लूँगा, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाने के लिए भी मैं एक कंप्लीट सेशन लूँगा, और आपके असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर, लोडर इनको समझाने के लिए भी कंप्लीट सेशन लूँगा। तो टोटल 5 सेशंस होंगे। ठीक है, 5 सेशन, ईच सेशन की अगर मैं मान लूँ आपका 7-8 मिनट्स का एक ऑन एन एवरेज होगा, तो ऑलमोस्ट ये आपका 40 मिनट्स यहाँ पे आपको ये वाला सेशन ले रहा होगा, मतलब ये वाला पार्ट जो है वो आपका ले रहा होगा। ठीक है, वहीं अगर मैं अगले पॉइंट पर आ जाऊँ कि आपका आइडिया ऑफ एल्गोरिदम यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, अब एल्गोरिदम का मतलब ये होता है जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम उसको स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं कि अगर इस पार्ट से ये होगा, इस पार्ट से ये होगा, इस पार्ट से ये होगा, तो हमने उसको मल्टीपल स्टेप के अंदर डिवाइड कर दिया, फिर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिदम। इस चीज़ के बारे में हम और भी ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा आपके एल्गोरिदम जब हम इसको पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपके फ्यूचर में भी अगर आप बात करें 3rd ईयर में, तो आपके एक एल्गोरिदम का एक अलग से सब्जेक्ट होगा। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर भी एक सब्जेक्ट होगा, तो उसके अंदर वो सब चीज़ हम बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूँ इसके अंदर हम पढ़ रहे होंगे कि आपका एल्गोरिदम का रिप्रेजेंटेशन क्या है, आपका ये फ्लो चार्ट क्या होता है, आपका सूडो कोड क्या होता है, आपका यहाँ पे हम एल्गोरिदम से प्रोग्राम्स में कैसे कन्वर्जन करेंगे, हमारा सोर्स कोड क्या होता है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम को पढ़ाने में मेरे को ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 सेशन लगेगा, आपके फ्लो चार्ट को कराने में यहाँ पे, फ्लो चार्ट और सूडो कोड को समझाने में यहाँ पे आपके 2रा सेशन यहाँ पे आपका उसमें लग जाएगा, यहाँ पे आपका 3रा सेशन लगेगा कि हम प्रोग्राम एल्गोरिदम टू प्रोग्राम कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे ऑन एन एवरेज मान के चलूँ तो यहाँ पे आपका 30 मिनट्स यहाँ पे आपका आइडिया ऑफ एल्गोरिदम को समझाने में लगेगा। ये सेशंस हैं, ठीक है, सेशंस की ड्यूरेशन होगी। अब वहीं पर अगर हम बात करें आपके प्रोग्रामिंग बेसिक्स की, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने क्या जाना कि प्रोग्रामिंग होती कैसी है। ठीक है, प्रोग्रामिंग आखिर में है क्या, हमने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जाना। ठीक है, हमने कंप्यूटर सिस्टम की एक स्ट्रक्चर को समझा, हमने जो भी चीज़ें पढ़ी वो बस थ्योरिटिकल थी। बट अब यहाँ पे आ जाती है बात कि आखिर में अब यहाँ पे आपने प्रोग्रामिंग के बारे में जान लिया कि क्या होती है, ठीक है, कि आपका कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, अब हमको जाना है उस प्रोग्रामिंग के बेसिक्स में। तो हम प्रोग्रामिंग जब बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग के लिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम कोई कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। तो ये इस सब्जेक्ट के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं आपके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपका स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम को देखेंगे, है ना, फिर हम राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द फर्स्ट सी प्रोग्राम, है ना, फिर हम सिंटेक्स के बारे में देखेंगे कि आपके कौन कौन सी एरर्स आ रही होती है कंपाइलेशन के अंदर,
ऑब्जेक्ट एंड एग्जीक्यूटेबल कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड एंड एग्जीक्यूटेबल कोड, एंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके क्या होते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इन क्या होते हैं आपके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, फंडामेंटल डेटा टाइप्स क्या होते हैं आपके, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एंड मेमोरी लोकेशंस एंड स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं। अब आप बोल रहे होंगे ये तो मतलब थर्ड पार्ट तो थोड़ा बड़ा हो गया, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि तो हमें स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम को पढ़ाने में हमें यहाँ पे सबसे पहला सेशन हमारा इसी का होगा, तो इसमें एक सेशन इसमें लगेगा, राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग फर्स्ट सी प्रोग्राम सेकंड सेशन इसमें लगेगा, एरर्स को थर्ड सेशन हमारा इसमें लगेगा, ऑब्जेक्ट एंड एग्जीक्यूटेबल कोड फोर्थ सेशन हमारा इसमें लगेगा, कॉम्पोनेंट्स फिफ्थ सेशन हमारा इसमें लगेगा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट सिक्स्थ सेशन, फंडामेंटल डेटा टाइप सेवन्थ, एंड वेरिएबल्स एंड मेमोरी लोकेशन आपका एट्थ। तो मतलब छोटे छोटे यहाँ पे 8-9 सेशंस इसमें लगेंगे। तो मैं ऑन एन एवरेज अगर हर एक सेशन की वो मान लो कि 6 मिनट का भी हुआ तो यहाँ पे टोटल आपका 60 मिनट्स जा रहा होगा आपका ये वाला, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर राउंड ऑफ कर दूँ तो यहाँ पर आपका कितना है कॉन्टेंट आवर्स, यहाँ पर शो कर रहा है 8 आवर्स, बट हम ये जो आपकी कंप्लीट यहाँ पर ये चैप्टर है इसको हम बस 2 आवर्स में यहाँ पे हम कवर अप कर देंगे। 2 आवर्स की यहाँ पे आपको टाइम लगेगा इस यूनिट को कवर करने में, खुद सोचो। और इस यूनिट की वेटेज ऑलमोस्ट 20+ मार्क्स होगी। तो अब हम देख लेते हैं कि हम यूनिट नंबर 2 के अंदर क्या पढ़ेंगे। इसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, इसके अंदर हम एरिथमेटिक एक्सप्रेशन एंड प्रीसीडेंस टेबल के बारे में पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपके दो टाइप के ऑपरेटर्स हो रहे होते हैं, एक न्यूमेरिक ऑपरेटर्स हो रहे होते हैं और आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स हो रहे होते हैं। हम उनके बारे में जानेंगे, उन ऑपरेटर्स का यूज करके एक्सप्रेशंस हम बनाएंगे, ठीक है। फिर हम जान रहे होंगे आपके ऑपरेंड्स के बारे में कि ऑपरेंड्स आपका क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए आपका एडिशन कर रहे हैं तो आप 5+7 कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एडिशन होता है, जो प्लस होता है, ये आपका ऑपरेटर होता है, एंड 5 और 7 जो होता है ये आपके ऑपरेंड्स होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आ जाता है टाइप कन्वर्जन। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। फिर हम यहाँ पे देखेंगे बिट ऑपरेशंस क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर प्रीसीडेंस एंड एसोसिएटिविटी। अब आप सोच रहे होंगे इसमें भी हमारे 8 आर्स यहाँ पे हमको मेंशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस यूजिंग न्यूमेरिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। इसको करने में ऑलमोस्ट हमारा एक सेशन लग रहा होगा। फिर हम बात करें आपके मिक्स्ड ऑपरेंड्स की, मिक्स्ड ऑपरेंड्स की एक छोटा सा सेशन हमारा इसमें लग जाएगा। टाइप कन्वर्जन को समझाने में एक छोटा सेशन हमारा इसमें लग जाएगा। लॉजिकल ऑपरेशन को समझाने में, बिट ऑपरेशंस को यहाँ पर आपका फिफ्थ हो गया, एंड इस फिफ्थ के अंदर मैं असाइनमेंट ऑपरेटर को भी कवर अप कर दूंगा, एंड यहाँ पर आपका सिक्स्थ यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए, ये आपका यूनिट नंबर 2 दो पार्ट्स में डिवाइड है, तो टोटल 6, यानी कि ऑलमोस्ट मान लीजिए कि इसमें आपको टोटल 40 मिनट्स लग रहे होंगे, ठीक है। 40 मिनट्स लग रहे होंगे। अगर मैं वहीं बात करूँ कंडीशनल ब्रांचिंग की, तो इफ एल्स स्टेटमेंट को समझाना काफ़ी डिटेल में आपको पड़ेगा, एंड हम देखेंगे कि नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट को हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे अप्लाई करते हैं एक सेशन इसमें लगेगा, नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स के अंदर यहाँ पे आपका दूसरा सेशन लगेगा, एंड थर्ड सेशन लगेगा यहाँ पे आपका स्विच स्टेटमेंट को समझने में। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर राउंड ऑफ ऑलमोस्ट आपके 25 मिनट्स लगेंगे इस पार्ट को करने में, एंड कंप्लीट एवरेज अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका 1 आवर लग रहा होगा। तो यहाँ पे आपका 8 आवर्स मेंशन है, बट यहाँ पे हम सिर्फ 1 आवर के अंदर कवर अप कर देंगे। तो पहले वाले हमने यूनिट को बोला था कि हमारा 2 आवर्स की कंटेंट लेंथ होगी, दूसरे वाले के लिए यहाँ पे हमारी 1 आवर की कंटेंट लेंथ होगी। तो अब हम आ जाते हैं अपने यूनिट नंबर 3 के अंदर। सो यूनिट नंबर 3 के अंदर हमारे क्या क्या चीज़ें होंगी, यूनिट नंबर 3 के अंदर हमारा आइट्रेशन एंड लूप्स, एंड दूसरा पार्ट होगा हमारा एरेज। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि आपका वाइल लूप क्या होता है, आपका डू वाइल लूप क्या होता है, आपका फॉर लूप क्या होता है। हम यहाँ पे देखेंगे कि मल्टीपल लूप वेरिएबल्स कैसे यूज कर रहे होते हैं, हमारा ब्रेक क्या होता है, यहाँ पर हमारा गो टू एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है। चलो अगर हम बात करें हम हर एक के बारे में डिटेल में देखेंगे, तो वाइल लूप को मैं एक वीडियो में समझाऊंगा, डू वाइल को दूसरी वीडियो में समझाऊंगा, फॉर लूप जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको तीसरी वीडियो में समझाऊंगा, मल्टीपल लूप वेरिएबल्स को यहाँ पे मैं आपकी फोर्थ वीडियो में समझाऊंगा, एंड ब्रेक स्टेटमेंट के बारे वाले में समझा दूंगा, एंड गो टू एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट है ना, तो यहाँ पे आपका सिक्स्थ वाले में हो गया। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे 40 मिनट्स आपका लगेंगे लूप्स को कवर अप करने में, ठीक है। वहीं अगर मैं यहाँ पर आपका नेक्स्ट आ जाऊँ एरे के ऊपर, यहाँ पर हमने क्या ले रखा है कि एरे नोटेशन एंड उसकी रिप्रेजेंटेशन को हम यहाँ पे समझेंगे, मैनिपुलेटिंग एरे एलिमेंट्स कि हम एरे एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है, यूजिंग मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है हम वो पढ़ेंगे,
कैरेक्टर एरे एंड स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम डेटा टाइप, ठीक है, इनमरेटेड, ENUM हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पढ़ रहे होंगे, पासिंग एरे टू फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे होंगे। अब यहाँ पे देखो एरे के अंदर यहाँ पे आपकी क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले आपकी एरे नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, एक सेशन आपका यहाँ पे लग रहा होगा, ठीक है। दूसरा मैनिपुलेटिंग एरे एलिमेंट्स, दूसरा सेशन आपका यहाँ पे लग रहा होगा। यूजिंग मल्टी डायमेंशनल एरे, तीसरा सेशन आपका यहाँ पे लग रहा होगा। कैरेक्टर एरे एंड स्ट्रिंग, चौथा सेशन यहाँ पे आपका यहाँ पे लग रहा होगा। स्ट्रक्चर के बारे में फिफ्थ सेशन यहाँ पे, यूनियन के बारे में सिक्स सेशन यहाँ पे, इनमरेटेड डेटा टाइप के बारे में सेवन्थ सेशन यहाँ पे, एरे डेटा एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में एट सेशन यहाँ पे, पासिंग एरे टू फंक्शंस नाइन्थ सेशन यहाँ पे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ये 15th सेशन का यहाँ पे ये आपके यूनिट नंबर 3 होगा। एंड यहाँ पे क्योंकि 9 सेशन है, अब आप इसका एवरेज लगा लो कि अगर मैं 6 to 7 मिनट्स का भी हुआ तो ऑलमोस्ट 70 मिनट्स का इसको आप मान सकते हो कि एरे को समझने में इतना कॉन्टेंट लगेगा। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपके 2 आवर्स ऑफ सेशन यहाँ पे कवर अप हो रहे होंगे। तो 3 यूनिट हो गए, 3 यूनिट को करने में हमको टोटल 5 घंटे लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ भी यूनिट आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो आपके हम फंक्शन की बात करेंगे एंड यहाँ पे हम बात करेंगे कि सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स की, ठीक है। देखो यहाँ पे एल्गोरिदम भी आ गया प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, हर एक चीज़ कवर अप हो रही है। बट अभी ये चीज़ आपको थोड़ा बेसिक बताई जाएंगी, लेकिन जब हम आप आ जाएंगे आप सेकेंड या थर्ड ईयर में, जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा इन डेप्थ हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फंक्शंस हमारा क्या होता है, फंक्शंस की बात करें तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आपका इंट्रोडक्शन टू फंक्शन, कि आपका फंक्शन होता क्या है, फंक्शन यहाँ पे आपका कितने टाइप का होता है, फंक्शन को हम एरे के साथ इंप्लीमेंट करना देखेंगे कि फंक्शन एरे के साथ कैसे हम कर रहे होते हैं, पासिंग पैरामीटर्स, फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर्स पास करना सीखेंगे, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, एंड रिकर्सिव फंक्शन को समझेंगे, रिकर्जन, ठीक है, अभी नाम सुना होगा आपने। तो एक सेशन में लूंगा यहाँ पे कम्प्लीटली इंट्रोडक्शन को बताने में कि फंक्शन आपका क्या होता है, दूसरा सेशन में यहाँ पे लूंगा आपके टाइप्स ऑफ फंक्शन को बताने में, फंक्शन को एरे के साथ इंप्लीमेंट करने के लिए एक सेशन लगेगा, पासिंग पैरामीटर्स विद फंक्शन एक सेशन लगेगा यहाँ पे, फिफ्थ सेशन यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू, सिक्स सेशन यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस, तो मतलब 5-6 सेशंस में यहाँ पे हो जाएगा रिकर्सिव को मिला के, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे आपका कितना लगेगा, यहाँ पे आपको टोटल 40 मिनट्स ऑफ सेशन यहाँ पे हम आपको डिलीवर कर रहे होंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ बेसिक सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स की, तो ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। 2 सर्चिंग हो गई एंड 3 सॉर्टिंग टेक्निक्स हो गए, तो ऑलमोस्ट 5 सेशंस इसके अंदर भी लग रहे होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम 60 मिनट्स मान लेते हैं टोटल। तो ऑन एन एवरेज अगर हम कुछ प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस भी करेंगे तो 2 आवर्स हमारा इसमें भी लग रहा होगा, ठीक है, ओके। तो भी शायद आपको यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब बारी आती है हमारी एकदम लास्ट यूनिट की, जो कि हमारी यूनिट नंबर 5 है, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक होता है हमारा पॉइंटर्स एंड दूसरा होता है हमारा फाइल हैंडलिंग, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें आपके पॉइंटर्स की, यहाँ पर हम कंप्लीट एक सेशन ले रहे होंगे आपका पॉइंटर होता क्या है उसके इंट्रोडक्शन में, फिर हम उसके डिक्लेरेशन को समझेंगे, एप्लीकेशंस को समझेंगे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है जिसमें 4 पार्ट्स होते हैं आपके, मेलॉक, कैलॉक, रीएलोकेट, फ्री, फिर यहाँ पर आ जाता है स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग के फंक्शंस, यूज ऑफ पॉइंटर्स क्या होता है इन सेल रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स, नोशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, एक बेसिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट यहाँ पर हम दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इम्प्लीमेंटेशन के लिए मना किया है सिलेबस में, बट उसके ऊपर हमको एक थोड़ा सा क्या करना है, उसका थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझाना है, ओके। सो यहाँ पे ये हो गया आपका पॉइंटर्स। एंड अगर हम फाइल हैंडलिंग की बात करें तो फाइल हैंडलिंग के इनपुट आउटपुट फंक्शन स्टैंडर्ड सी प्री प्रोसेसर, जो हम हैश लगाते हैं ना, हैश इंक्लूड stdio.h काइंड ऑफ, तो यहाँ पर हमारे सी के प्री प्रोसेसर हम देखेंगे, डिफाइनिंग एंड कॉलिंग द मैक्रोस, मैक्रोस आपका क्या होता है, एंड कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, ओके। सो ये है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे कितने सेशंस लगेंगे, यहाँ पे हमारा 1, यहाँ पे हमारा 2, यहाँ पे हमारा 3, ये हमारा हो गया 4, यहाँ पे हमारा हो गया 5, ये हो गया हमारा 6, ये हो गया हमारा 7, ये हो गया हमारा 8, ये हो गया हमारा 9, ठीक है, ये हो गया हमारा 10, ये हो गया हमारा 11, ये हो गया हमारा 12, ये हो गया हमारा 13, ये हो गया हमारा 14, मतलब कुछ इस टाइप से 15 सेशन लग रहे होंगे। और 15 तो अगर हम यहाँ पे इसको डिवाइड करें तो ऑलमोस्ट हम इसको मान ले रहे हैं कि 3 आवर्स यहाँ पे हमको लग रहे होंगे, क्योंकि हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी रैप अप कर रहे होंगे,
तो अब अगर हम देखें कि हमने यहाँ पे टोटल अपनी 5 यूनिट्स का ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक एक रिव्यू देख लिया कि हम इन 5 यूनिट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं और इनको करने में हमको कितना टाइम लगेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमको फर्स्ट यूनिट को करने में यहाँ पे आपके 2 आवर्स लगेंगे, सेकेंड को करने में 1 आवर लगेगा, थर्ड को करने में 2 आवर लगेगा, फोर्थ को करने में भी 2 आवर लगेगा एंड फिफ्थ को करने में ऑलमोस्ट आपके 3 आवर्स लगेंगे क्योंकि हम एक्स्ट्रा चीज़ें भी करेंगे। सो अगर आप यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आपका टोटल जो आपके लेक्चर डिलीवरी हो रही होगी जो कि आपकी यूनिवर्सिटी में कुछ 2 या 3 गुना हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपका कितना दिखा रहा होगा, तो ऑलमोस्ट 40 आवर्स ऑफ यहाँ पे आपको कंटेंट डिलीवरी यहाँ पे दिखा रहा है। बट हम यहाँ पे कितने में कर रहे होंगे, आपके 10 आवर्स में आपकी ये कंप्लीट 10 आवर्स का जो कंटेंट डिलीवरी होगी उसके अंदर ही आपकी कंप्लीट सीरीज हो रही होगी फिनिश। सो यही था आज के इस सेशन में। अगले सेशन में हम शुरुआत कर रहे होंगे आपके सबसे पहले टॉपिक मेमोरी से, जिसके अंदर हम डिटेल में बताएंगे कि आखिर में आपका मेमोरी होता क्या है आपका प्रोग्रामिंग विद प्रॉब्लम सॉल्विंग में। और मिलते हैं कल, इसी के साथ हैव अ गुड डे, बाय बाय।